गलत की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं और व्यसन में डूब रहे हैं, या व्यसन की ओर जा रहे हैं, या वैश्यवृत्ति में, या मदिरापान में, या जुए में, या मांसाहार में, या गलत संगत में बच्चे पड़ रहे हैं, उस जगह पर भी तिल्ली को पीस कर शिव का लेपन कर फिर जल का समर्पण कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये मंदिर में जाकर करें, आप अपने घर में भी कर सकते, उससे भी परिवार में स्नेह बढ़ता है, संगत जो गलत हो रही है उसे छूट जाता है। आप लोग रोज जो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हो, तो भगवान शंकर को जब जल समर्पित करते हो तो ये शिव जी का विशेष ही तो है प्रतिदिन। जितना तप माता पार्वती जी ने करा है उतना ही उससे भी अधिक तप माता गंगा जी ने करा है। शंकर दोनों बहनें, दोनों का स्नेह शिव जी के प्रति, पार्वती जी भी शंकर भगवान को स्नेह करती और गंगा जी भी भगवान शंकर को स्नेह करती। पार्वती जी भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है और माता गंगा भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है, पर गंगा जी के पति बनाने में पार्वती जी को मालूम पड़ा कि गंगा जी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हैं और मेरी सगी बहन है गंगा और ऐसा चाहती है, तो पार्वती जी ने थोड़ा सा अपनी सहेली से कहा कि कोई संत पर जल डाल देने से वो संत प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे जाते हैं। तब गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने एक लोटा जल दुर्वासा बाबा पर डाल दिया, क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में स्त्री के रूप में नहीं रहोगी, जल के रूप में रहो। तो वो गंगा जल बन गई, गंगा बहुत रोई, बहुत कई बार हमारा कोई काम नहीं होता, हम आस लगा के बैठे रहते हैं, वो काम नहीं होता तो हमको रोना आता। पर उस काम को यदि हम भगवान को समर्पित कर दें कि नहीं काम नहीं हुआ ना, भगवान को समर्पित कर दो, भोलेनाथ जी के मंदिर में ये कहकर आओ कि तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, क्योंकि जैसे वो माता जी ने लिखा कि एक नौकरी छूटी और दूसरी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, खुद का जॉब कर लिया, एक नौकरी छूटी तो उनको दूसरी नौकरी मिली तो अच्छा काम मिल गया। तो ये हम भगवान को छोड़ दें, भगवान के ऊपर एक पत्र आया है,